इस केस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल पीसफुल है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब लगातार सब ऑफिसर से सबसे टच में है, पूरे जो ये एक्शन हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं, और उनकी तरफ से उन्होंने थैंक्स किया है पूरे पंजाब निवासियों का जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में कम्युनल हार्मनी यूनिटी मेंटेन करके रखी है। और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, किसी भी इनोसेंट को किसी केस में बुक नहीं किया जाएगा। जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं, जो सही में क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी स्क्रीनिंग करके डिफ्रेंशिएट करके जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो यूथ है जो मिसगाइडेड थे, इनोसेंट हैं, पता नहीं है इशू का, अगर उनको डिटेन किया गया है तो वार्निंग देके उनको छोड़ा जाएगा। इस केस में अब तक हमने 207 लोगों को इसमें डिटेन किया है। 207 में से 30 ऐसे लोग हैं जिनकी अरेस्ट डाली गई है अलग अलग केसेस में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। 177 ऐसे लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव तौर पे डिटेन किया गया है मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ एंड जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उनकी किसी केस में गिरफ्तारी विदाउट वेरिफिकेशन नहीं डाली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो 177 जो जिनको सिर्फ प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है उनको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा इस केस में। जहाँ तक अमृतपाल के जो ट्रेल का क्वेश्चन है, उस केस में हमने काफ़ी हमारी टीम्स ने ट्रैक किया है, काफ़ी लोकेशंस पे सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं, और उस केस में जो फर्दर आया कि शेखूवाल विलेज है बिलगा के पास, वहाँ गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से भी बाइक चेंज की गई। उसके बाद जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए पहले बेड़ी जो है लेने की कोशिश की गई, जब नहीं मिली तो पुराना एक ब्रिज है वहाँ से क्रॉस किया। काफ़ी उस एरिया में घूमने के बाद एक हार्डीज वर्ड के पास ऑटो लेके फिर फर्दर मूवमेंट जो लोकेट हो रही है, उसके बाद जो मूवमेंट है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्रा में लोकेट हुई, जो कि एक हमारे पास जो कस्टडी में है गुरप्रीत बेजा, उसने भी इंटरोगेशन में बताया था कि कोई लेडी है जहाँ पे वो जाके हार्बर ले सकता है। तो वहाँ से अब हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से ये पता चला कि 19 की रात को दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल वहाँ रुके थे। पपलप्रीत करीब पिछले 2 साल से ऊपर के टाइम से उस लेडी का नोन है, काफ़ी बार पहले वहाँ पे ये रुक चुका है, और उस दिन भी दोनों वहाँ पे गए थे काफ़ी देर रात वहाँ रुक के, नेक्स्ट डे वहाँ से वो मूव किए हैं। फर्दर इसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो अमृतपाल है ये हमारी गिरफ्त में होगा। और इस केस का इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है जो बहुत देर से काफ़ी लोगों को ये आशंका थी कि शायद वो पुलिस कस्टडी में है, तो जितनी ट्रेल्स आ रही हैं, जितने हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिल रहे हैं, उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अभी उसको लगातार ट्रेल किया जा रहा है, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। एक और FIR खन्ना पुलिस ने रजिस्टर की है जिसमें एक तजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम का जो व्यक्ति है, जो क्लोज एसोसिएट है अमृतपाल का, उसको अरेस्ट किया है। उस केस में FIR नंबर 23 पुलिस स्टेशन मलौड में रजिस्टर की गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। और उसके जो फ़ोन है उसी जो हमने उसका जो एनालिसिस किया तो काफ़ी ऐसा इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला जो कि एंटी नेशनल मटेरियल है, जिससे कई जगह पे वो फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोगोज हैं जो अकाल अनंतपुर जो खालसा फौज के बने हुए हैं, वेपन्स की प्रैक्टिस, वेपन्स को खोलना जोड़ना, वेपन्स का डिस्प्ले, ऐसी बहुत सारी फुटेजेस मिली हैं। इसके अलावा और इससे भी सेंसिटिव मटेरियल मिला है जो इंडिकेट करता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो पुलिस अपना पूरा एफर्ट कर रही है जो मेन अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो हमने बहुत ही सीरियसली कंसिडर करके ये डिसीज़न लिया है कि किसी भी जो यूथ है, मिसगाइडेड यूथ है, किसी को अननेसेसरी हरास नहीं किया जाएगा। और जो 207 लोग कस्टडी में लिए हैं उसमें से 30 लोग हार्डकोर हैं, उनकी अरेस्ट डालने के बाद जो 177 प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए गए हैं उनकी स्क्रीनिंग करके जल्दी उनको रिलीज किया जाएगा। सर ये कहा जा रहा है कि अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है? नहीं, हमने जैसे ही हमें पता चला कि वो पंजाब से बाहर चला गया,
तो सारी बाकी स्टेट पुलिस जो है, बाकी स्टेट्स की जो पुलिस है, उनको हमारी तरफ से अलर्ट चला गया है। हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उसकी जो मूवमेंट है कहीं भी हो सकती है, हरियाणा से किसी तरफ भी जा सकता है। हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं। अब तक जो वहाँ पे उसने जो हमें प्रिलिमिनरी बताया कि हुलिया अभी सेम है, टर्बन बांधी हुई थी, गॉगल्स लगाई हुई थी, लेकिन जो उसकी मुस्टैचेज हैं उसको उसने फिक्स किया हुआ था बियर्ड के साथ। तो ये उनकी पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूछताछ नहीं है, बिकॉज उसके जो हमने कुछ लेडी ऑफिसर्स उनके रेजिडेंस पे गई थी और उनसे बातचीत की है, उनकी पत्नी से, उनकी वाइफ से, लेकिन वो एक कई उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते, बट ऐसा किसी को हम लोग अननेसेसरी हरास नहीं करेंगे।